अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबी दूरी की निजी बसों में भरा लगेज आमजन के लिए बना जानलेवा। निजी बस संचालकों की बड़ी लापरवाही, एक बुजुर्ग की बची जान। अंडरब्रिज के पास निजी ट्रेवल्स कंपनी का मामला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस पर लोड किया गया सामान को फेंका जा रहा था नीचे, अचानक सड़क से गुजर रहे व्यक्ति के सिर पर गिरी गांठ। लापरवाही से फिलहाल नहीं हुई कोई जनहानि, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजू, जिस प्रकार से लंबी दूरी की निजी बसों में जो लगेज भर के जा रहा है उससे जो मामला सामने आया उस पर क्या कहेंगे? कि जो लंबी रूट की जो बसें हैं, जैसे जयपुर चंडीगढ़ जोधपुर लुधियाना की जो बसें आती हैं सुबह रायसिंह नगर अंडर ब्रिज के पास आती हैं और वो लैगेज लेके आती हैं, और लैगेज जो होते हैं जिन्हें भारी भारी होते हैं जो बस के ऊपर से गिरते हैं, तो बस के जो चालक हैं जो परिचालक हैं वो बिल्कुल भी जो ध्यान नहीं देते कि नीचे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सीधे ही नीचे डाल देते हैं। और इसी की वजह से आज एक जान बच गई, बिल्कुल बिल्कुल उसके पास से ही गांठ गुजरी और वो बुजुर्ग नीचे भी गिर गया। और ये जो आज का मामला नहीं है, ऐसा काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन पहले भी कुछ दिन पूर्व भी ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें दो क्विंटल की लगभग एक गांठ गिर गई थी। उस वक्त भी एक जो युवक था वो बेहोश हो गया था, लगभग आधे घंटे तक वह युवक बेहोश रहा था, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। जो निजी बस के जो संचालक हैं इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, बड़े बड़े जो लगेज हैं ये लेके आ रहे हैं। जी जी जिस प्रकार से राजू आपने बताया कि प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, निजी बस संचालक हैं वो धड़ल्ले से इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो आखिर प्रशासन के कार्रवाई न करने की बात सामने क्यों आ रही है? आखिर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जी आज एक जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसके बाद अब देखेंगे कि प्रशासन हरकत में आता है या नहीं, लेकिन निजी जो बसें हैं इनकी मनमानी लगातार जारी है और जो बड़े बड़े लगेज हैं वे लेके आते हैं और कोई भी नीचे जो व्यक्ति चल रहा होता है उस पर बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं देते, और जो निजी कंपनी का जो ट्रेवल ऑफिस है वह भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जी जी चलिए राजू, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से बड़ी खबर थी, जहां लंबी दूरी की जो निजी बसें चलती हैं उनमें जो लगेज उनकी छत पर रखा जाता है वो आमजन के लिए जानलेवा बन गया है। निजी बस संचालकों की बड़ी लापरवाही से एक बुजुर्ग की जान बच गई। अंडरब्रिज के पास निजी ट्रेवल्स कंपनी का ये पूरा मामला है और प्रशासन भी इस पूरे मामले में किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 21।